गांव कौन सा है? आजादपुर। क्या समस्या है आपकी? ना तो यहाँ रास्ता बंद है हुआ है और ना ही कब्रिस्तान है। अच्छा। ना ही पानी की। अच्छा। और लाइट की बहुत दिक्कत है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ रहते? 10-12 साल हो गए। अच्छा, तो नूह के पास में है ये गांव? हाँ, 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा, सरपंच कौन है यहाँ पे? सनाउल्ला। अच्छा, इन्होंने भी आज तक कोई काम नहीं करवाया 5 सालों? काम नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जो ये औरत कह रही है ऐसा ही है। इनके गांव में, इनके रहने की जगह में अभी तक कोई रास्ता नहीं बनाया गया है। प्रदेश सरकार भले ही सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, लेकिन विकास के मामले में यह बात नूह खंड के गांव आज़ादपुर पर सही साबित नहीं बैठ रही है। जिसका अंदाज़ा गांव के लोगों को मिल रहा मूलभूत सुविधाओं से लगाया जा सकता है। बिजली, पानी व सड़क सहित अन्य क्षेत्रों में गांव विकास के मामलों में लगातार पिछड़ रहा है, लेकिन ग्रामीणों की इन समस्याओं पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। बता दें कि अडबर पंचायत के गांव आज़ादपुर में आज़ादी के बाद अभी तक गांव में एक भी पक्का रास्ता नहीं बनाया है, जिससे ग्रामीणों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में ग्रामीणों ने अपने स्तर पर जिला प्रशासन सहित स्थानीय नेताओं को कई बार अवगत कराया है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों की इस मांग पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, जिस कारण ग्रामीणों ने प्रशासन के प्रति भारी रोष पनप रहा है। ग्रामीण हनीफ, सुबान खां, जुबैर मोहर खां, कुर्शीद, आकूब, जमशेद, साजिद, साहून, शरीफ मोहम्मद, आसू, शब्बीर, अशरफ व इमरान ने बताया कि उनके गांव को यहां पर बसे 15 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन गांव में मूलभूत सुविधाओं को घोर अभाव है। ऐसे में वह आज भी अभावों में जी रहे हैं। हल्की सी बरसात होने पर उन्हें घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों को दैनिक कार्यों के अलावा बच्चों के स्कूल जाने, युवा व बुजुर्ग के नमाज अता करने सहित कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिस कारण कई बार बुजुर्ग चोटिल हो चुके हैं। भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में ग्रामीणों ने उपायुक्त से मांग की है उनकी इस समस्या को जल्द से जल्द समाधान कराया जाए, जिससे उन्हें राहत मिल सके। वहीं इस बारे में नूह SDM प्रदीप अहलावत ने कहा है कि गांव की इस समस्या प्राथमिकता के साथ समाधान कराया जाएगा। गांव आज़ादपुर का जज्जर मार्गों का दिखाते हुए ग्रामीण लोग। तो दोस्तों, इसी तरह की खबर देखने के लिए अगर आपने DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपके गांव में कोई भी समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नूह से जुबैर खान की रिपोर्ट। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा। क्या नाम है आपका? रजीना। गांव कौन सा है? आजाद कलोनी। आजादपुर कलोनी। क्या समस्या है आपकी? सामान चाहिए, एक यहाँ रास्ता बंद होना चाहिए, यहाँ भाई कब्रिस्तान जी मिलनी चाहिए और पानी की सुविधा होनी चाहिए और बिजली की सुविधा होनी चाहिए। तो कितने दिन से रास्ते बंदे नहीं हुए आपके यहाँ? अब हमने तो जंगल मार पड़ा भाई, जंगल में प्लाट काटिया ही, कुछ भी ना बन रहा हम लोग। न पानी की सुविधा है? न पानी की सुविधा है जी। क्या मामला आपका? मामला ये जी, हमने यहाँ जगह तो लिए इसलिए भाई हम शहर के सहारे कुछ मजदूरी करेंगे। अब ना यहाँ कोई रास्ता है, ना यहाँ कोई पानी है, ना यहाँ कोई कब्रिस्तान है, यहाँ तो कोई भी सहूलत ना जी। तो सच्ची माज का वही 9 जिलों है जो 50 साल पहले हो। तो हम तो ये है जी, प्रशासन से यही हमारी मांग है, हमारे लिए पानी हो, बिजली हो और ये रास्ता बन जाओ जी। देखो हम घोट घोट पानी खड़ो। ये भी तो बोलना। तो कितने दिन होगा आपको यहाँ रहते हैं? जी हमको यहाँ करीबन हो गए जी 10-12 साल। 10-12 साल में यहाँ कोई भी सहूलत ना देखी। तो आपका गांव का सरपंच कौन है? फिलहाल मौके पे सनाउल्ला। तो सनाउल्ला ने भी अभी तक कोई काम नहीं करवाया? सनाउल्ला ने एक काम करवाया आज, कल माटी गिरवाई जी 10-10 5 ट्रैक्टर जी। तो आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? पानी लाते हैं जी 2-4 माठ खेड़ा से भर ला, 2-4 माठ मरोड़ा से लिया, भैंस काटने जोड़ पोडर में ऐसी परेशानी भुगत रहे जी बहुत ही।